और मेरठ में एक बाल काटने की दुकान के सामने खड़े हुए हैं। हालांकि ये बिल्कुल आम आदमी के बाल काटने वाली ये दुकान है, छोटी सी। देखिए ये छोटी सी कुर्सी लगी हुई है, जुगाड़ वाली बिल्कुल, इसमें टेप वेप लगे हुए हैं। और ये सामने एक छोटा सा शीशा लगा हुआ है, लोशन वोशन रखे गए हैं, और ये वही औजार होगा जिससे बाल, जिससे क्या शेविंग करते होंगे, मुझे इसकी जानकारी तो है नहीं। लोशन वोशन रखा है। दुकान किसकी है भाई साहब? ये दुकान वाले भैया कहाँ गायब हो गए? अच्छा, आप बैठे हुए हैं। अच्छा, पहली बात तो नमस्कार, आपके मेरठ आए हैं। जी हाँ, शुक्रिया आपका, मेरठ आए हैं। हमने सोचा शुरुआत एकदम आम आदमी के बाल काटने वाली दुकान से ही करें। देखिए मास्क भी रखा हुआ है इन्होंने, एक छोटा सा मास्क रखा है, ये ब्रश रखा है, और वो पता नहीं क्या है, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। तो मैं ये जानना चाह रही थी आपका, पहले तो मुझे ये बताएं कितना पुराना हो गया आपका ये दुकान? मेरा सर 2 साल हो गए साहब। मेरे सामने पहले खोखा था, मुझे खोखा उठा दिया गया है वहाँ से। अच्छा जी हाँ, और मैं परेशान हूँ खोखा उठाने के बाद, और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। अच्छा, आपकी वो दुकान हटा दी, फिर यहाँ पर आकर बैठ गए? यहाँ पर आके बैठ गया साहब, परेशानी। ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा ये बताएं कि इधर आपके मेरठ में क्या माहौल लग रहा है, क्योंकि चुनाव का समय है, आप लोग सब कुछ रुझान तो आपका मन में होगा ही। हाँ, क्योंकि पहला चरण है, देखिए 6-7 दिन रह गए होंगे भैया, 6-7 दिन रह गए हैं, सब पता चल जाएगा कौन बन रहा है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। देखो जी, साइकिल वाले ही होना चाहिए हम तो। साइकिल वाले? हाँ। तो साइकिल वाले क्यों, कमल के फूल वाले क्यों नहीं? कमल के फूल ने क्या किया बताइए, कौन सा बढ़िया काम कर दिया, कौन से किसी के लोगों को रोजगार दे दिया, कुछ दे दिया, किसी को दुकान दे दी, मकान दिया, कुछ भी नहीं दिया साहब इसने तो, बेकार परेशानी कर दे दी लोगों को, महंगाई डबल कर दी साहब, कितने परेशान है लोग बाग, पेट्रोल महंगा, तेल महंगा। कहते हैं हमने नया उत्तर प्रदेश दिया है जिसमें दंगे नहीं होते, जिसमें नौकरियों की भरमार है, जिसमें लोग सुखी हैं। हाँ, बहुत सुखी है साहब लोग बाग, दंगे तो कराने वाले, अब मैं क्या कहते साहब किसके लिए, भाई यही लोग हैं जो भी कुछ है साहब, इसे हटनी चाहिए साहब, ये सरकार हटनी चाहिए, ये सरकार हटनी चाहिए। अच्छा, आप बताइए भाई साहब, आपका मेरठ शहर क्या कह रहा है, किसकी तरफ लहर जा रही है? हमारे तो साइकिल की तरफ है। साइकिल की तरफ लहर है, मतलब एक छत्र वोट जा रहा है कि कुछ की, मतलब वोट देने, जब वोट देने जाएंगे तो लगेगा अरे कोई बात नहीं, अपनी पार्टी है, चलो भाजपा को ही दे देते हैं। हमारे तो साइकिल को जाएगी, साइकिल को जाएगी। अच्छा, कुछ कारण होंगे साइकिल को जाने के? अब तो साइकिल के साथ गठबंधन जुड़ गया है RLD का। वो जुड़ा होगा, जुड़ने दो ना, हम तो साइकिल को देंगे, साइकिल को देंगे। अच्छा, साइकिल को दे रहे हैं आप लोग सब, क्या लग रहा है? हा? साइकिल पर ही जाएगी, अखिलेश भैया को जिताएंगे। अखिलेश भैया? अच्छा, ये शहरों में बड़ा कम सुना है हमने कि शहरों में भी लोग जो है BJP को छोड़ किसी और पार्टी को चुन रहे हैं, कारण क्या है? शहरों में तो BJP ने बड़ा विकास करा दिया, कहते हैं आपके मेरठ की तस्वीरें बदल दी, फिर भी आप लोग साइकिल को चाह रहे हैं। आप हमारे एरिया में चल के देखिए, कितनी कीचड़ है, कितने गड्ढे हैं, कितनी टूटी फूटी सड़कें हैं, एक बार उनको चेक करें ना आके। तो इस बार साइकिल पंचर हो जाएगी कि साइकिल दौड़ जाएगी, या सबके हाथ में कमल का फूल? साइकिल दौड़ेगी, साइकिल दौड़ेगी, तभी दुकान लगाई है क्या? पंचर की पंचर नहीं होने दोगे? इसीलिए दिखा, दुकान दिखा दे जरा, इन्होंने साइकिल को जिताने के लिए पंचर की दुकान खोल ली है कि अब की बार पंचर नहीं होने देंगे। 2017 में तो पंचर हो गई थी भैया, है रोक दो में, वैसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए, कुछ भी काम नहीं है रोक दो का, भूखा मार दिया पब्लिक को। हाँ। बस और क्या करें, भूखा मारा? हाँ। किस चीज में भूखा मारा बताइए ना, कारोबार ये सरकार नहीं होती तो वो भी सरकार लगाती, किस चीज में भूखा मारा बताओ, लॉकडाउन नहीं होता तो क्यों नहीं सरकार? आपका नाम क्या है? मैं नाम है नंदकिशोर, ठेकेदार बबलू। अच्छा बबलू जी, आपके हिसाब से भाजपा बढ़िया कर रही है? मतलब देखो, कोई भी सरकार होती लॉकडाउन तो लगना था। नहीं, लॉकडाउन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ विकास की बात कर रही हूँ। बबलू जी के लिए भाजपा क्या कर पाई? मेरे लिए? हाँ। मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं तो एक आम आदमी हूँ, जिसे अच्छा लगूंगा उसे दूंगा वोट, साइकिल वाला हो, मायावती हो, अखिलेश हो या पंजे वाला हो। इधर टक्कर किसकी किसकी है? मेरा दो की टक्कर है, साइकिल वाले के फूल की, यानी रफीक अंसारी की और भाजपा से। हाँ, कमलदत्त शर्मा की है। हाँ। देखो दोनों बढ़िया जाएंगे, 5-6 हजार वोटों का हेरफेर होगा। अच्छा, इतना बताया तो 5-6 वोटों का हेरफेर, 5-6 हजार वोटों का हेरफेर होगा, किसकी तरफ से होगा ये भी बता दो। ये कह नहीं सकते, जिसका जोर तगड़ा होगा वही ले जाएगा।
अब कोई साइकिल पर पिंचर लगवावे या साइकिल मरवावे ये तो जोर की बात है। हाँ। जो अच्छा 80-20 की बात कही जा रही है, इस बार पश्चिमी यूपी पहला चरण है, 80-20 का माहौल बनेगा, ऐसा है क्या? नहीं 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 नहीं, बढ़िया जाएंगी दोनों की सीटों, जिसकी निकल गई निकल गई, आने का जो गया गया, सब बराबर का, तो नसीब बाजी है अपना, देंगे बल्ला अपना, 5000 वोटों का फर्क पड़ेगा, 5000 का फर्क, बस सब जनता का है, जो जनता चाहेगी वो होगा। तो जनता क्या चाह रही है भाई? ये तो मैं नहीं, वोट नहीं पूछ रहे, पूछ रहे हैं ना, भूल कह रहे, फूल को ना भूल, कह रहे साइकिल उड़ा देगी धूल, मैं अपनी जानता हूँ, नहीं नहीं ये कह रहे फूल को ना भूल, वो कह रहे साइकिल उड़ा देगी धूल, ये लगे मैं लगू, हाँ। मैं अपने मन की करूँगा, ये अपने मन की करेंगे, अपनी मन की करेंगे, ये तो पब्लिक जिसको चाहेगी उसको बता देगी, लहर तो यहाँ पे इस टाइम साइकिल की चल रही है, साइकिल अखिलेश यादव, बिल्कुल साइकिल अखिलेश यादव, लहर किसकी चल रही है? साइकिल लहर तो साइकिल की चल रही है, लेकिन हम तो पतंग वाले हैं जी, अखिलेश यादव ओएसी साहब को जी, इस सरकार में महंगाई बहुत हुई है, सिलेंडर देखो कहाँ पहुँच गया है, हर चीज महंगी हो गई है, सब्जी देखो किस रेट चली गई है, अच्छा साइकिल नहीं, दिल से दिल आपके मुंह में साइकिल है लेकिन दिल में पतंग या नहीं, वैसी साफ है, सर्वे आ रहा है उस हिसाब से तो लग रहा है कि साइकिल और कमल की टक्कर चल रही है, कहाँ देख रहे हैं? वैसी साहब जो है मेरे हिसाब से अब की अच्छा खासा वोट बैंक उनका है यहाँ पे, और जिस हिसाब से वो दौरा कर रहे हैं उस हिसाब से बढ़िया, अगर अच्छा वोट बैंक है तो उनका जो ओवैसी साहब का साथ है वो मतलब क्या आपको लग रहा है कि क्या गठबंधन के साथ होगा या क्या होगा, मतलब कि वो सरकार बना रहे हैं, मतलब वो सरकार तो नहीं बना पाएंगे, वो सरकार तो नहीं बना पाने के, लेकिन अब धीरे से आए हैं वो अपना धीरे धीरे पार्टी का डेवलपमेंट कर रहे हैं जिस हिसाब से, और वो कोशिश भी कर रहे थे कि साइकिल के साथ जो है उनका गठबंधन हो और आगे चल के जो साइकिल को बेनिफिट मिले उन्हें भी प्रॉफिट हो वोट बैंक का, लेकिन अखिलेश यादव ने इस चीज को मना किया, ठीक है अपनी बात है अलग है। अच्छा, ओवैसी साहब पहली बार उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप लोग पहली बार अगर ओवैसी साहब आपके दिल में है तो क्यों है, किस कारण है, मैं ये जानना चाहता हूं। नहीं, वो जिस तरीके से हम लोग मुद्दे उठाते हैं, हर एक चीज उठाते हैं, उस हिसाब से हमें लगता है कि हमारे लिए वो सही है। अच्छा, मुसलमानों का मेरठ के मुसलमानों का एक क्षेत्र वोट सपा की तरफ जा रहा है या कुछ बटने वाला है? नहीं, सपा की तरफ ज्यादा है, वो पतंग की तरफ अभी कम है, यहाँ पे मतलब इतना नहीं है, लेकिन ये है धीरे धीरे शुरुआत है हो रही, आगे चल के जो है काफी उनके लोग जो है जुड़ेंगे। ठीक है, पहली बार कोई फैक्ट्री लगाता है, कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, उसे मार्केट में सेल करने के लिए बेचने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना उसे, तो अब वो आहिस्ता यूपी में आए हैं, अब यूपी में आने के बाद में उनको जिस तरीके से भी, जिस तहजीब से भी, आगे से लोग 5 राउंड फायरिंग हो गई, तो 5 राउंड फायरिंग होगी, वो मैंने थोड़ी ना करी है, हम कह रहे हैं कि 5 राउंड फायरिंग हो गई, मेहनत कर रहे हैं सड़कों पर निकल रहे हैं। एक्चुअल में दिक्कत क्या है कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है, इसमें किसी भी चीज मतलब डॉक्टर मतलब किसी मेडिकल लाइन में चले जाओगे तो शायद हर किसी बीमारी का इलाज आ जाता है, इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा अच्छा, अब दूसरी बात, विरोधी जो विरोधी आदमी किसी के बारे में किसको अच्छा नहीं लग रही उसकी शक्ल, तो वो कोई ना कोई गाड़ी पंचर करेगा, टायर पंचर करेगा, कोई किसी किस्म की ऐसी स्थिति है, तो ये तो मामूली सी एक ऐसी स्थिति है। अब जो आदमी एक सरकार में है, सरकार में है यानी कि कोई पुलिस वाला है या होमगार्ड है, कोई उसकी सड़क में रोड में एक्सीडेंट हो जाए, उसको गवर्नमेंट 50 लाख रुपए देती है। एक्सीडेंट से आता है, साइकिल का एक्सीडेंट हो जाएगा या कमल का फूल लोग हाथ में पकड़ेंगे? उस समय मैं आम आदमी और गवर्नमेंट की बात में मैं, अच्छा अब रही लहर की बात, मेरे मन में जो है वो सीधा दबी रहने दो, क्यों मेरे विरोधियों के जरिए कहाँ तक बात पहुँचेगी? आपके मन की बात दबा रहने दो, लेकिन मेरठ में लहर किसकी है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखो मेरठ की 2017 में तो भाजपा की लहर थी मेरठ की कंडीशन, उसके बावजूद बीजेपी पार्टी अच्छे साफ सुथरे बढ़िया काम कर रही है, लेकिन क्या है कि एक मुद्दा 80 और 20 का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम रहने नहीं देंगे, उखाड़ देंगे, फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये तो उस आदमी से पूछो जैसे मेरे मुंह के बीच में दांत है और दांतों के बीच में जबान मुलायम है, तो ये तो उस आदमी से पूछो, पूरी जबान मुलायम है उस तरीके से। अच्छा, जबान मुलायम यानी सॉफ्ट,
मुलायम से, मुलायम से तो कुछ और लगा कि है। हाँ, ये तो उस आदमी से पूछो ना कि जो जबान मुलायम है, दिल दिल में कोई और तो नहीं। मतलब मेरा मकसद उस आदमी से पूछो जिस आदमी को ये लग रहा है कि मुझे यहाँ रहने से परेशानी है, मुझे यहाँ रहने से परेशानी है। अभी आप कैलकुलेशन कैलकुलेटर करके उंगली डालिए, 335 से 400। आप मुझे बोलने दीजिएगा, मुझे पत्रकारिता का वो नहीं है लाइसेंस, नहीं नहीं। मतलब 435 या 335 का सिलेंडर था, उज्ज्वला सिलेंडर बांटे गए, ठीक। कैलकुलेट कीजिएगा, 1000 माइनस 335 से 435, उसमें कितने पैसे गवर्नमेंट के अकाउंट में जा रहे हैं। उस टाइम में सब्सिडी भी आ रही थी कुछ अकाउंट में। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि सरकार बुरी है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, बट क्या है कि पब्लिक के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है। आमदनी 500 रुपये, खर्चा 1500 रुपये, आमदनी 98 स्कूटी लेकर जा रहे हैं।